दोस्तों, जब हम रात में तारों से भरा आसमान देखते हैं तो वह हमें बहुत ही शांत और मनमोहक लगता है। पर हमारा ब्रह्मांड इतनी शांत जगह नहीं है जितना वो लगता है। हम आपको बता दें, यहाँ पर कई विध्वंसक और भयानक घटनाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के जरिए अंतरिक्ष के कुछ ऐसे भयानक चीजों और घटनाओं का सामना करेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए जानते हैं अंतरिक्ष की कुछ प्रमुख घटनाएं। नंबर एक, एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स। 9 जनवरी 2017 को जब हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तब एक एस्टेरॉयड यानी कि एक क्षुद्र ग्रह धरती से टकराने काफी करीब था। 2017 एज 13 के नाम से जाना जाने वाला एस्टेरॉयड धरती और चांद के बीच से आधी दूरी से निकल गया। आपको बताते हैं, ये एस्टेरॉयड 25 से 30 मीटर लंबा था, यानी कि तुलना में ये 10 मंजिला इमारत के करीब था। ठीक 4 साल पहले 2013 में इतना ही बड़ा एस्टेरॉयड रशिया के चेल्याबिन शहर के ऊपर टूटकर बिखर गया, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये दोनों एस्टेरॉयड उन लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की यानी कि धूमकेतु में से एक हैं जो हमारे सौरमंडल में मौजूद है, और इनमें से कई धरती के परिक्रमा पथ के काफी करीब हैं। और एक आंकड़ों के मुताबिक 2017 तक 857 ऐसे एस्टेरॉयड और कॉमेट्स का पता लगा लिया गया है जो धरती काफी करीब है, जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अंतरिक्ष में भटकते ये विशाल पर्वत के आकार के एस्टेरॉयड पूरी धरती के जीवन का नामो निशान मिटा देने की क्षमता रखते हैं। माना जाता है कई लाखों सालों पहले ऐसा ही एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकरा गया था, जिसने डायनासोर की पूरी प्रजाति का ही अंत कर दिया था। जो घटना लाखों साल पहले हो चुकी है वो आज भी हो सकती है, इसलिए नासा ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उस प्रोजेक्ट के जरिए धरती करीब आ रहे एस्टेरॉयड और कॉमेट पर नजर रखी जाती है, लेकिन ये सिर्फ 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से लंबे कॉमेट पर ही नजर रखता है जो पूरी पृथ्वी पर विनाश ला सकता है। और इनसे छोटे एस्टेरॉयड हजारों की संख्या में मौजूद हैं जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। इनके टकराने से विश्व का तो विनाश होगा नहीं, ये पूरे शहर का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। और चिंता की बात है कि इन सब पर नजर रख पाना संभव नहीं है। इसी तरह 9 जनवरी को जो एस्टेरॉयड धरती काफी करीब से गुजरा, उसका पता भी धरती के पास से गुजर जाने के बाद लगाया जा सका, लेकिन हम अभी तक सुरक्षित हैं और ऐसा कोई बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ। इन सब के लिए हमें जुपिटर यानी बृहस्पति का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम बृहस्पति की वजह से बचते आ रहे हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि इन एस्टेरॉयड और कॉमेट का रुख बदल देता है और हमें इन खतरों से बचा लेता है। नंबर दो, रग प्लैनेट। अगर एस्टेरॉयड कॉमेट का पृथ्वी से टकराना आपको भयानक लगता है, तो किसी ग्रह का पृथ्वी से टकराने के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी तक आपने पृथ्वी के किसी ग्रह से टकराने की अफवाह इंटरनेट पर कई बार सुनी होगी, पर ऐसा भी हो सकता है जब ग्रह की बात आती है तो ऐसे खगोल पिंड की तस्वीर दिमाग में आती है जो एक निश्चित कक्षा में अपने सितारे की परिक्रमा करता है। अगर सभी ग्रह अपनी कक्षा में अपनी परिक्रमा करें और किसी से कोई नहीं टकराए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते। वो ग्रह जो किसी भी सौर मंडल से बंधे नहीं है और खुलेआम सीधे परिक्रमा करते हैं, इन ग्रहों को रग प्लैनेट यानी कि लावारिस कहा जाता है। ये कैसे ग्रह हैं जो किसी कारण अपने सौर मंडल से बाहर धकेल दिए गए हों या फिर इनका निर्माण अपने आप हुआ हो। ठीक वही चीज जैसे सितारों का निर्माण होता है, ऐसे पिंड जिनका निर्माण अपने आप हुआ है उन्हें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ब्राउन रॉक का नाम दिया है। और ये लावारिस ग्रह और पिंड भारी संख्या में अंतरिक्ष में मौजूद हैं, और क्योंकि इनका अपना प्रकाश नहीं होता तो रहस्यमय तरीके से इनको देखना संभव नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी संख्या ब्रह्मांड में मौजूद सितारों के बराबर है, यानी कि जितने सितारे आप आसमान में देख रहे हैं उतने लावारिस ग्रह भी आसमान में मौजूद है। Y0855-0714 ये लावारिस ग्रह जो अब तक लावारिस ग्रहों में सबसे करीब है। ये पृथ्वी से 7 प्रकाश वर्ष दूर है। किसी लावारिस ग्रह से पृथ्वी के टकराने की संभावना अभी निकट भविष्य में तो नहीं है, पर वैज्ञानिकों के सिद्धांत की बात माने तो सदियों पहले 2 ग्रह आपस में टकरा चुके हैं। ज्वाइंट इम्पैक्ट सिद्धांत के अनुसार 50 करोड़ साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह जिसे थिया के नाम से जाना जाता है पृथ्वी से टकरा गया। माना जाता है ये ग्रह पृथ्वी के समानांतर परिक्रमा करता था और बृहस्पति तथा बुध ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये पृथ्वी कक्षा में आकर पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर से थिया ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो गया और टकराव के बाद पृथ्वी और इस ग्रह के टुकड़े टुकड़े अंतरिक्ष में हो गए। फिर कुछ दिनों बाद ये मलबे इकट्ठे होकर पृथ्वी का चांद बन गए। इस सिद्धांत का सबसे सबूत अपोलो मिशन में प्राप्त हुआ। जब इस मिशन द्वारा चांद से लाए गए नमूनों का परीक्षण हुआ, तब ये पता चला कि चांद की संरचना पृथ्वी की संरचना से मेल खाती है। नंबर 3 पर है हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। एक लावारिस ग्रह से ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है? एक लावारिस भटकता सितारा। तो आइए मिलते हैं हाइपर वेलोसिटी स्टार से। हाइपर वेलोसिटी सितारा एक ऐसा सितारा जो काफी तेज गति से अंतरिक्ष में चलता है। इनकी गति इतनी तेज होती है कि आकाश गंगा की एस्केप वेलोसिटी से भी तेज होती है। ऐसे तो अंतरिक्ष में हर चीज गतिमान है, यहाँ तक कि हमारे सितारे भी गतिमान है और ये आकाश गंगा का चक्कर लगाते हैं।
पर आम तारों की गति 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो वहीं हाइपर वेलोसिटी स्टार की गति 10 गुना ज्यादा यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और कुछ हाइपर वेलोसिटी सितारे ऐसे हैं जिन्होंने आकाशगंगा से सफर करते हुए अब तक आकाशगंगा से वो बाहर निकल चुके हैं। हाइपर वेलोसिटी सितारे कैसे बनते हैं, इसके दो सिद्धांत हैं और दोनों ही सिद्धांतों में एक बात समान है कि हाइपर वेलोसिटी सितारे का जन्म दो तारों के मंडल से होता है। बाइनरी सितारे में दो तारे होते हैं जो एक दूसरे के समान ही द्रव्यमान के केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। पहले सिद्धांत के मुताबिक अगर ये बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के समीप चले जाते हैं तो ये संभव है कि इनमें से कोई एक तारा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बल में फंस जाएगा और दूसरा बहुत तेज गति से बाहर फेंक दिया जाएगा जो हाइपर वेलोसिटी स्टार बन जाता है। नंबर 4, रग ब्लैक होल। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष के विशालकाय दानवों की यानी कि ब्लैक होल की। आपको बता दें ब्लैक होल ऐसे खुले क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके अंदर जाने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता। माना जाता है हर आकाशगंगा के मध्य में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद होता है और हमारे आकाशगंगा के बीच में भी एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। जो भी वस्तु इस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बल में आती है वो वस्तु इस ब्लैक होल के द्वारा निकल जाती है और वो हमेशा के लिए ब्लैक होल का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। लेकिन हाल ही में खोज हुई है जो इन ब्लैक होल को और भी भयानक और डरावना बना देती है। चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से एक ब्लैक होल का पता लगाया गया है जिसे XJ1417+52 के नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक होल किसी आकाशगंगा के मध्य में नहीं है, एक रग ब्लैक होल है यानी कि एक भटकता हुआ ब्लैक होल। इस ब्लैक होल को आकाशगंगा के किनारे पर देखा गया है और ये आकाशगंगा पृथ्वी से 4.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह के ब्लैक होल तब पैदा होते हैं जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं या फिर आपस में विलय हो जाते हैं। और इस तरह के ब्लैक होल भयानक और डरावने होते हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष में भटकते हुए अपने आसपास की चीजों को निगल सकते हैं। नंबर 5, कलिजन ऑफ गैलेक्सीज। कलिजन ऑफ गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगा का टकराव। यदि आपको किसी धरती के एस्टेरॉयड से टकराने की घटना या फिर किसी लावारिस ग्रह से टकराने की घटना, किसी भटकते ब्लैक होल द्वारा निकल जाने की घटना डरावनी लगती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही ऐसा कुछ निश्चित है। लेकिन एक ऐसी घटना जो भविष्य में होगी और वैज्ञानिकों का कहना है निश्चित ही आज से 450 करोड़ साल बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे दूसरी आकाशगंगा से जाके टकराएगी। सोचने में बहुत डरावना लगता है और ऐसा लगता है कि इससे काफी विनाश होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों आकाशगंगा के टकराने की संभावना और किसी की हताहत होने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि सितारों के बीच में इतनी ज्यादा दूरी है कि इनका आपस में टकराना संभव नहीं है। इस टकराव से दोनों का स्तंगा को आपस में विलय हो जाएगा और उनके बीच मौजूद ब्लैक होल भी आपस में विलय होकर एक विशाल ब्लैक होल बना लेंगे। अब सवाल आता है कि इस प्रभाव से हमारे सौर मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जवाब यह है कि इंटर टकराव से सौर मंडल के ग्रहों पर कोई खास असर नहीं आएगा। बस इतना होगा कि हमारा सौर मंडल विलय के बाद आकाशगंगा के और बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये सब देखने के लिए शायद मनुष्य की जाति मौजूद ना हो क्योंकि उस समय धरती की सतह बहुत गर्म हो जाएगी और वहां पर तरल पानी का रहना संभव नहीं होगा, इसलिए मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी 35-40% बढ़ जाएगी और सूरज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होगा। आपको बता दें इस तरह की आकाशगंगा के टकराने की घटना आम है और अभी NGC 2207 एंड IC 2163 और दो आकाशगंगा हैं जो आपस में टकराने क्रम में हैं और इनके विलय होने की प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों से ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोज देखते हैं।